नहीं, हम लोग सोचे कि नहीं होगा, हम लोग सोचे कि भूल गए क्या, मकर संक्रांति है लेकिन 21 को फिर होगा, 21 को होगा, तब कंटिन्यूस नहीं, बीचों बंद हो गया था, तुम लोगों का खत्म हो गया, क्या बात, कोई भेज नहीं रहा, अभी सोचिए जितना इकट्ठा था उसका ही नौ बोला, ओहो लेकिन लोक शिकायत अधिकार का तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, प्रचार हम लोग काम वहाँ में कर रहे हैं, जाओ शिकायत करो, हम लोग को भी पिटीशन देता वहीं भेजवा देते, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेगा थोड़ा टाइम आदमी, सर ये पेंटिंग जो हुआ है ना शहर में, इसको हर शहर में करवा देते हैं, ये जो मिथिला पेंटिंग जो हुआ है बहुत अच्छा, इसको हर शहर में करवा देते हैं, बट विद द राइडर की आप नहीं जगह जगह टॉयलेट भी बनवा देते हैं, जो पटना एयरपोर्ट का जो बन रहा है तो 17 के जुलाई में भी किए और फिर अगस्त में अक्टूबर में पूरा टीम आया सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो मेरा ही सुझाव मान लिया, उसका ऊपरी दिखेगा नालंदा का रूइंस और अंदर पूरा का पूरा रहेगा मिथिला पेंटिंग, और आप पूरे पटना शहर में करवा रहे, देख रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर, लेकिन टॉयलेट भी चाहिए क्योंकि पूरा हो गया सर कवर, लेकिन आप देखिएगा जैसे ये पूरा वीआईपी एरिया है, हम लोग अभी आ रहे थे तो हम लोग तो बनवाए बहुत से फर्स्ट हुआ है लेकिन उसको यूज नहीं कर उसका दूसरा यूज दिखता है दिवलवा सामने सबका पटना से राजगीर में है बहुत सारा अच्छा मोटल मिला है बन गया है ये सारा, पटना से बोधगया में बड़ा एक्यूट प्रॉब्लम फोर लेन जो होना तो आप जानते हैं ना, पहले तो ओरिजिनल बिहार सरकार कर रही थी केंद्र के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से, और लोग ऑलरेडी एग्रीमेंट कर गए, यूपीए की सरकार थी कहा कि नहीं हम बनाए, तो फिर से दोबारा 4 साल लगे, तो हम खाली इसकी चर्चा इसलिए कर दी, अब तो हो गया फाइनल टेंडर जिसका था भाग गया, हम कह रहा हूँ खुद का है तो पूछे आप अमृत जो भाग गया बैंकर जो भी उन्होंने भाग गया, अब उसको फिर से दूसरे को बनाना है, लेकिन हमने ये कहा कि भाई इस बीच में इसका रिपेयर तो ठीक से हो जाए, तो हो रहा टेंडर हो गया है वो हो जाएगा, तो जो फोर लेन था उसमें यही कंसेप्ट ही था, जगह जगह किनारे में ये सारा इंतजाम, थोड़ा कैटरिंग का व्यवस्था ये सब रहेगा तो लोगों को सहूलियत, ये हम लोग का शुरू का ही कंसेप्ट था। 22 मीटर आपकी कंसेंट से हुआ था मंडल डैम का, उसका 22 गया तो अब नहीं हो पाएगा यदि भ्रष्टाचार से कोई समझौता हम पूछ लीजिए मोदी जी से।